देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था। उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार जब आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस द्वारा जनित और संरक्षण प्राप्त ही ये सब लोग होते हैं, और पहले भी जब जब हमारी सरकार रही है इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के माफियाओं को खदेड़ दिया गया था। 3 तारीख के बाद जब सरकार दोबारा आएगी तो दोबारा इस तरह के किसी व्यक्ति को छोड़। देखिए, कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, अब तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मन बहला रही है। दूसरी बात, जब ये चुनाव की प्रचंड हार होगी तो उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, किस तरह से मतगणना स्थल पर वाद विवाद किया जाए, इन सब की ट्रेनिंग इसमें शामिल होगी, मुझे ऐसा लगता है।